लोग दानाजी पढ़ने के क्रम में देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसमें हमने जो है मेल गैमेट के बारे में पढ़ा 2.2.2 में, अब फीमेल गैमेट के बारे में पढ़ेंगे। जो फीमेल ऑर्गेन है फ्लावर में वो क्या है, तो पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम जिसको बुल कहते हैं, एंड एम्ब्रायोसेट। इस तीन चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, ठीक है। ये तीनों है क्या इसको हम लोग समझेंगे। तो गायनोसियम जो है इसको जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, चायांग। ये पूरा एक समूह के रूप में हम लोग बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स का जो फीमेल वाला पार्ट है उसको गायनोसियम बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या क्या पार्ट है और कैसा होता है वो सब चीज डिटेल्स में देखेंगे। तो ये होता है दो टाइप का, कैसा होता है दो टाइप, एक होता है मोनोकार्पेलरी, एक होता है मल्टी कार्पेलरी। मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है एक, क्या होता है एक, एक कार्पेल वाला। कार्पेल हो गया अंडा, ठीक है अंडा। तो एक अंडपी, इसका हिंदी में क्या नाम हो गया, एक अंडपी। और ये मल्टी मतलब होता है बहुत, कार्पेलरी मतलब अंडा, बहु अंडपी इसका नाम हो गया। तो हिंदी में नाम जो है और इंग्लिश में नाम जो है, नाम से ही इसका अर्थ भी समझ में आता है। मोनोकार्पेलरी जो है वो क्या होता है, वो एक गायनोसियम ही है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल, एक ही पिस्टिल से अगर बना हुआ है कोई फ्लावर्स जिसमें एक ही पिस्टिल रहता है तो उसको कहते हैं मोनोकार्पेलरी कार्पेलरी फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल इसका है हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या हो गया, गुड़हल। गुड़हल का देखो इस तरह से एक हम फीमेल गैमेट्स को उठाए, उसका जो है एक ही को ये रहता है पिस्टिल, पूरा पार्ट हो गया पिस्टिल हिबिस्कस का। इसमें जो नीचे में पेंदा में रहता है उसको कहते हैं थैलमस, और इसके ऊपर जो गोलाकार उभरा हुआ रहता है उसको कहते हैं ओवरी, और ओवरी से जो एक लंबा सा पतला नली निकला रहता है इस नली क्या कहते हैं स्टाइल। और यहाँ पर जो फूल जैसा चिपचिपा पदार्थ बना रहता है जिसमें पोलन ग्रेन आकर के चिपक जाता है वो सब जो है ये पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है। यही है हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया अंडाशय। तो ये पूरी तरह से तीन पार्ट होता है किसी भी पिस्टिल का, तीन पार्ट से ये बना होता है। तो जो मोनोकार्पेलरी होता है उसमें एक ही पिस्टिल होता है, लेकिन मल्टी कार्पेलरी में क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा पिस्टिल होगा, वो भी अलग अलग डिजाइन का होता है। गायनोसियम में है मोर देन वन पिस्टिल, इसमें एक से ज़्यादा पिस्टिल हो सकता है। तो ये भी दो तरह के होते हैं, ये मल्टी वाला भी, एक तो अकेला है ही, मल्टी वाला भी दो तरह का होगा। क्या क्या होगा, एक होता है सिंग कार्पस और दूसरा क्या होता है एको कार्पस। यह क्या हो गया, इसका हिंदी में सिंग कार्पस को कहते हैं युक्ता अंडपी। युक्त मतलब क्या होता है, संयुक्त हुआ, जुड़ा हुआ, और वियुक्ता अंडपी मतलब वियुक्त हो गया, अलग अलग हो गया। इसी को कहते हैं एको कार्पस, इसको कहते हैं सिंग कार्पस। सिंग मतलब हो गया संयुक्त हुआ, मिला, और एको मतलब ऊपर से अलग अलग, ऐसा समझना है। तो सिंग कार्पस जो होता है उसमें द पिस्टिल में भी फ्यूज्ड हुआ रहता है, जैसे कि जुड़ा हुआ। फ्यूज का मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ा टुगेदर, आपस में वो जुड़ा रहता है। इसका एग्जांपल है पेपर, जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक ही ये जो भाग है क्या है थैलमस, और ये क्या है ओवरी। इसमें जो है ये सिन कार्पस है ओवरी। ओवरी कैसा है, जितना ये पिस्टिल है ना आया हुआ, इस सब स्टिग्मा मिल करके एक एक ओवरी बनाया है, एक ही ओवरी में सबका अंडा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये सिन कार्पस ओवरी। ओवरी का टाइप क्या हो गया, सिन कार्पस। क्यों,
क्योंकि सभी ओवरे जो है अलग अलग नहीं हो करके एक ही में मिला हुआ है। इस तरह से ये सिनकार्पस पुष्टिंग है जो पेटेवर में होता है। उसी तरह से एपोकार्पस होता है। एपोकार्पस में क्या है, द पिस्टिल्स में भी फ्री, इसमें फ्री होता है, सब अलग अलग होता है। एग्जांपल क्या है, मिसेलिया, मिसेलिया में देखो ये है थैलमस, ये है ओवरी, और ये जो है ये क्या हो गया, ये पार्ट हो गया स्टाइल लंबा वाला, उसके बाद ये जो पार्ट है यहाँ पर स्टिग्मा, वो सब अलग 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 है ना, अलग अलग। तो ये सब फ्री होता है, फ्री होने के कारण ये क्या शो करता है, एपोकार्पस। यही एपोकार्पस और ये सिनकार्पस दो तरह के मल्टी कार्पलरी में भी इसका दो टाइप होता है। अब जो ये पिस्टिल होता है, हम एवरेज में देख लें कि कोई डिजाइन जो जनरल साइज का होता है उसमें क्या क्या पार्ट होता है, तो तीन पार्ट देख लिए ना, यही पार्ट है। पहला पार्ट है ऊपर से देख रहे हैं द स्टिग्मा, स्टिग्मा है जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका का अग्र, वर्तिकाग्र, वर्तिका जोड़ अग्र, अग्र मतलब क्या होता है, आगे वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग है, ये स्टिग्मा है। सर्व एज ये किस तरह से काम करता है, ए लैंडिंग, लैंड करने के लिए कुछ भी, वहाँ तक जैसे एरोप्लेन लैंड करता है ना, उसी तरह से यहाँ पर लैंड करता है, प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम करता है। तो कौन यहाँ लैंड करता है, पोलन ग्रेन जो मेल गैमेट है वो यहाँ पर आकर के लैंड करता है, यहाँ पर आकर के रुकता है। तो इस तरह से ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पोलन ग्रेन के लिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं। दूसरा पार्ट लंबा वाला है, ये स्टाइल है, ये कैसा है, इलोंगेटेड, लंबा है, लॉन्ग होता है ये, और सिलेंडर, सिलेंडर मतलब पतला, दुबला पतला होता है ये, पतला सा पार्ट, ये पार्ट है बेनिथ द स्टिग्मा, बेनिथ मतलब होता है नीचे, इसका मतलब क्या होता है, नीचे, बेनिथ मतलब नीचे, स्टिग्मा के नीचे जो पार्ट लंबा सा है, वो पतला लंबा सा, वो क्या है, वो है स्टाइल। इसका क्या काम है, जब यहाँ पर आएगा पोलन, तो पोलन यहाँ से एक पोलन ट्यूब बना करके यहाँ ओवरी तक पहुँचता है, इसमें गैमेट फूट निकलता है, तो इसका ये काम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, ओवरी, तीसरा पार्ट हो गया इसका ओवरी, जिसको कहते हैं अंडाशय। ये क्या है, तो बेसल बल्ज पार्ट, बेसल मतलब आधार में है, अब बल्ज मतलब होता है उभरा हुआ, उठा हुआ है, ये है उभरा हुआ आधार पर जो उभरा हुआ पार्ट है ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल के आधार पर नीचे में कंधे में जो उठा हुआ पार्ट है वो है ओवरी। इसका क्या काम है, इन साइड द ओवरी क्या होता है, इसमें इसके अंदर में इज द ओवेरियन कैविटी, जिसको कहते हैं गर्भाशयी गुफा या गुहा, एक कैविटी, एक होल होता है, एक स्पेस होता है उसमें, जिसको लोकुली भी बोलते हैं, कोष्ठक, कोष्ठक मतलब रूम जैसा बना हुआ, इसके अंदर में ये खाली जगह होता है। वेयर प्लासेंटा इज लोकेटेड, इसमें क्या रहता है, अपरा या नार, नाड़ी जो जैसे बच्चे में होता है ना, नाभि से जुड़ा हुआ निकला हुआ, उसको बोलते हैं प्लासेंटा। तो यहाँ पर जो अंडा है एक से, उसमें भी यहाँ पर से भी एक निकला हुआ रहता है प्लासेंटा, जो जिससे वो जुड़ा हुआ होता है। ये कहाँ होता है, ओवेरियन कैविटी में, लोकुली में, और ये कहाँ होता है, ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया। अब वहाँ पर जो ओव्यूल है उसको कहते हैं मेगा स्पोरेंजिया, इसका नाम है ओव्यूल। मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा, यही मेल गैमेट जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या पढ़ते थे, माइक्रो स्पोरेंजिया, आज अब फीमेल पढ़ रहे हैं तो मेगा स्पोरेंजिया, यहाँ पर हो गया ओव्यूल। हिंदी में क्या कहते हैं, मेगा मतलब बड़ा होता है, इसको हिंदी में दीर्घ कहते हैं या गुरु कहते हैं, अब बीजाणु धानी या बीजांड भी कहते हैं इसको। ये जो ओव्यूल है अराइजिंग फ्रॉम प्लासेंटा, यहाँ पर जो प्लासेंटा है, प्लासेंटा से निकला हुआ एक ओव्यूल होता है, स्पोरेंजिया होता है, जो मेगा स्पोरेंजिया है, वो कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, किससे निकला होता है, प्लासेंटा से। और इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ ओव्यूल
इन एन ओवरी, एक ओवरी में कितना ओव्यूल होगा, मे बी वन, कहीं कहीं एक भी हो सकता है और कहीं एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो एक ओवरी में कितना ओव्यूल है, इसकी संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है। एग्जांपल के लिए हम देखें, वन होता है, किसमें किसमें होता है, वन वन ओव्यूल किसमें होता है, व्हीट में, पैडी में, मैंगो में। व्हीट क्या हो गया, गेहूँ। अब पैडी क्या हो गया, धान। और मैंगो क्या हो गया, आम। एक से ज़्यादा जो होता है मैनी, उसका एग्जांपल क्या हुआ, पपाया, वाटरमेलन, आर्किड्स। पपाया पपीता हो गया, वाटरमेलन तरबूज हो गया, वो आर्किड हुआ। तो इस तरह से इसमें नंबर ऑफ ओवरी जो है, वो ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है वो ज़्यादा और कम होता है ये अलग अलग स्पीशीज में। अब मेगा स्पोरेंजियम जो ओव्यूल है ये कैसा होता है, इसमें जो ओव्यूल रहता है ये ओव्यूल है, उसका साइज कैसा होता है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, अटैच टू द प्लासेंटा, प्लासेंटा से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। अटैच मतलब क्या हुआ, इसका मतलब भी जुड़ा हुआ हुआ, ये अटैच का मतलब, वो किससे जुड़ा रहता है, ओव्यूल प्लासेंटा से, बाय मीन्स ऑफ ए स्टॉक, और प्लासेंटा से ओव्यूल जुड़ा रहता है, एक स्टॉक से जुड़ा रहता है, डंठल से, डंटी की तरह से जुड़ाता है, उसके बीच में भी वो स्टॉक उसको बोलते हैं, उससे जुड़ा हुआ रहता है, कॉल्ड फुनिकील, उसको कहते हैं फुनिकील, फुनिकील को बीजांडवृंत कहते हैं। बीजांडवृंत क्या हो गया, फुनिकील ये हो गया प्लासेंटा से ओव्यूल को जोड़ने वाला तंतु, क्या हो गया, एक डंठल जिससे वो जुड़ा रहता है। अब ये इसमें जो पार्ट है यही है, ये जो फुनिकल है ना, यही है जो प्लासेंटा से जोड़े रहता है, ये मान लो प्लासेंटा है, इससे जो जोड़ करके ये बीजांड है, ये ओव्यूल, ये इस तरह से लटका हुआ रहता है। तो ये जो जुड़ा हुआ भाग है, ये क्या हुआ, जुड़ता है, वो हो गया फुनिकल, ये स्टॉक डंठल जैसा है, ये फुनिकल होता है। इसमें फिर क्या क्या स्ट्रक्चर है वो हम लोग यहाँ पर अलग अलग इसका जो पार्ट है उस पार्ट से देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को अच्छा से समझना है, क्या क्या स्ट्रक्चर है इसमें। पहला है हीलम, ठीक है, हाइलम, हीलम, ये क्या इसको कहते हैं, नाभिका, ये पार्ट नाभिका है, ये क्या करता है, ए रीजन, एक जगह है, क्षेत्र है, वेयर बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेज विथ फुनिकल, ये जो इसका बॉडी है पूरा, और ये जो फुनिकल है इसके साथ यहाँ पर फ्यूज होता है, इसीलिए जुड़ रहा है, ये जो पार्ट है जुड़ने वाला, ये और ये यहाँ के बीच में, ये हो गया हीलम, ठीक है, इसी से यहाँ पर जुड़ता है, जिससे कनेक्शन हो रहा है वो हीलम कहलाया, नाभिका, ये रीजन वेयर बॉडी ऑफ द ओव्यूल, ओव्यूल का जो बॉडी है फ्यूजेज विद फुनिकल, फुनिकल से वो जुड़ा। और उसके बाद और क्या है, रिप्रेजेंट्स द जंक्शन, ये एक तरह से जो जहाँ पर जुड़ता है ना उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन, जंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है बिटवीन ओव्यूल एंड फुनिकल, ये ओव्यूल और फुनिकल के बीच का ये जंक्शन है, कड़ी है, कौन, हीलम। इसके बाद है इंटेगुमेंट्स, इसके बाद यहाँ पर इंटेगुमेंट्स है, ये जो पार्ट है ये इंटेगुमेंट्स हो गया, ये जो है इंटेगुमेंट्स मतलब क्या हुआ, एक आवरण, एक कवर, क्या क्या कवर होता है, बोलता है ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवेलप, हर ओव्यूल के पास एक या दो एक एनवेलप जैसा होता है, मतलब कवर होता है जो प्रोटेक्टिव करता है, उसकी सुरक्षा करता है। इन सर्किल द नूसेल्स, नूसेल्स को इसका जो ये मटेरियल है नूसेल्स, इसको क्या करता है, इन सर्किल उसको घेर के रखता है, सर्किल मतलब गोला होता है ना, इन सर्किल मतलब हो गया गोल, गोलाकार में घेरना। और यह हो गया इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट जहाँ एगो है एक ही है, लेकिन जहाँ दो है तो बाहर वाले को बोलेंगे एक्सटर्नल इंटेगुमेंट
अंदर वाले बोलेंगे इंटरनल इंटेग्रमेंट, अध्यावरण इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद ये जो होता है पूरी तरह से चारों तरफ नहीं होता, एक जगह थोड़ा सा खुला रहता है, खुला जो रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। छोटा माइक्रो मतलब छोटा सा होता है, पाइल मतलब छिद्र द्वार। तो ये बीजांड द्वार है जहाँ से बीज निकलेगा या यहाँ से घुसेगा, यहाँ से पोलन ट्यूब घुसता है तो उसके लिए द्वार रहता है। वो द्वार की तरफ जो है यहाँ पर इंटेगुमेंट जो कवर है नहीं रहता है, यहीं आकर के मुड़ गया ना, इसको छोड़ दिया। तो ये जो गेट है ये हो गया माइक्रोपाइल। देखो तो हिलम है ये पर इंटेगुमेंट जो है ये दो लेयर हो गया। अब माइक्रोपाइल कहाँ है? यहाँ छेद के पास। तो माइक्रोपाइल क्या है? ये स्मॉल ओपनिंग है, ये छेद है और इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट का इस कवर का एट द टीप मतलब एक छोर पर ऊपर में। और उसके बाद है चलेजा या कलेजा दोनों बोलते हैं, इसको निभाग बोलते हैं हिंदी में। ये जो पोल है माइक्रोपाइल, इसके अपोजिट का जो पोल होता है उसको कहते हैं चलेजा, वो आधार होता है। ठीक है, इसके अपोजिट में यही याद रखना, चलेजा होता है रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट, ये आधार वाला पार्ट है ऑफ द ओव्यूल। और वो क्या होता है? अपोजिट टू माइक्रोपाइलर इंड, माइक्रोपाइल जो इसका इंड है मतलब माइक्रोपाइल जो है कोल, इसके अपोजिट में होता है। ये ऊपर है तो वो नीचे होगा। हम लोग अगला स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, इसको उलट के पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें माइक्रोपाइल जो है वो नीचे हो जाएगा तो चलेजा क्या होगा? ऊपर हो जाएगा। इसको पलट देंगे तो समझने के लिए किसी तरह समझ सकते हैं। तो ये चलेजा बेसल पार्ट हुआ जो माइक्रोपाइल के अपोजिट में होता है, विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या है? ये बीज का मटेरियल साइटोप्लाज्म है जिसमें बहुत सारे लिक्विड भरा रहता है। वो क्या है? ये मास ऑफ सेल्स, सेल का ग्रुप है, मास है। इनक्लोज्ड विद इन, वो घिरा रहता है विद इन में, इसमें द इंटेगुमेंट्स, ये जो इंटेगुमेंट्स है इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसमें जो सेल्स है उसके मास को कहते हैं न्यूसेल्स, जिसको हिंदी में बीजांड काय बोलते हैं। काय मतलब कोशिका, ये बीजांड की कोशिका है। हैव एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, इसमें क्या होता है? एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, रिजर्व मतलब संरक्षित किया हुआ बचाया हुआ, फूड मतलब भोजन और मटेरियल मतलब पदार्थ, भोज्य पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है। ये पोषक तत्व यहाँ भी है, जैसे उसमें था ना स्पोर में, उसी तरह से यहाँ पर भी पोषक तत्व है, यहाँ ज़्यादा है। ये न्यूसेल्स में है जो ये साइटोप्लाज्म है। एम्ब्रायोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, इसमें से फीमेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब क्या हुआ? जो फीमेल गैमेट को बनाएगा। तो फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो फॉर्म फ्रॉम ए मेगा स्पोर, इसमें से मेगा स्पोर चारों तरफ है उसमें से बनेगा। मेगा स्पोर कई बनता है? चार बनता है, चार में से एक सक्सेसफुल होता है, तीन बर्बाद हो जाता है। लोकेटेड इन न्यूसेल्स, न्यूसेल्स में वो रहता है मेगा स्पोर, उसी से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट जो बाद में एम्ब्रायोसाइट में डेवलप करता है। हम लोग उसके आगे देख रहे हैं माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, मेगा स्पोर कैसे बनता है। मेगा को माइक्रो भी बोल सकते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस, ऐसी जेनेसिस जहाँ पर रहेगा इसका मतलब है उसका प्रोडक्शन, उसका फॉर्मेशन। तो इसका जेनेसिस मेगा स्पोर, मेगा स्पोर के बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। गुरु भी बोल सकते हैं, यहाँ गुरु मतलब भारी होता है, आप बड़ा के अर्थ में यहाँ दीर्घ भी उपयोग होता है, कहीं दीर्घ रहेगा कहीं गुरु रहेगा। गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन, इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मेगा स्पोर बनता है। ये क्या है? द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर।
मेगा स्पोर्स बनने की जो क्रिया है उसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल, किस चीज से बनता है, बनेगा तो जैसे माँ से ना बनेगा, जिससे बनता है उस कोशिका को कहते हैं मेगा स्पोर बनने वाले को, मेगा स्पोर और जिससे बन रहा है इसलिए मदर और ये कोशिका है इससे। तो एम एम सी हो गया ना, एम एम सी मेगा स्पोर मदर सेल, इसी को मेगा स्पोर जो ये है मदर सेल एम एम सी, ये क्या है भाई इसको देखते हैं। इन माइक्रोपोलर रीजन, माइक्रोपोलर क्या था, इधर वो मुंह था ना ऊपर में, उस तरफ जिधर इंटेगुमेंट्स कवर नहीं किया हुआ था, थोड़ा सा छेद था ना, वो हुआ माइक्रोपोलर रीजन ऑफ द न्यूसेल्स। न्यूसेल्स के तरफ जो क्षेत्र में ऊपर की तरफ खाली जगह जिधर रहता है उधर ही ये एनएमसी होता है, वहीं से इसका फॉर्मेशन होता है। ये एनएमसी कैसा होता है, लार्ज सेल, ये बड़ा कोशिका होता है कंटेनिंग, जिसमें होता है क्या कंटेन करता है, ये डेंस साइटोप्लाज्म, जिसमें साइटोप्लाज्म में जो जीव द्रव्य है वो सघन है, घना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। एंड ए न्यूक्लियस, और उसके अंदर एक केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, मतलब एक कोशिका है ये बड़ी कोशिका, इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। ये मदर सेल के बारे में बोल रहा है, मेगा स्पोर मदर सेल के बारे में। और ये क्या करता है, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस डिवीजन, मियोसिस क्या है अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें आधा होता है, ये आधा डिवीजन करके ये प्रोड्यूस 4 मेगा स्पोर, कितना मेगा स्पोर बनाएगा, 4 बनाएगा। 4 जब मेगा स्पोर बनाता है, ये जो समझो ये जो डिवीजन है इसमें ये सेल समझो ये मेगा स्पोर मदर सेल है यहाँ पर, ये न्यूसेल्स है, ठीक है, न्यूसेल्स मतलब बहुत सारा था मटेरियल, इसमें फूड मटेरियल था, इसके बीच में एक जगह ये मेगा स्पोर मदर सेल है ऊपर की तरफ, उससे 4 कोशिका बना, ठीक है, ये जो कोशिका बना वो 4 कोशिका बना पहले, और 4 कोशिका ये पूरे बना मेगा स्पोर, जब 4 मेगा स्पोर बना तो फिर क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो 4 में से फीमेल गैमेटोफाइट क्या है इसको देखते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मैक्सिमम प्लांट्स है फ्लावर का, 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल, ठीक है, कितना बना था 4, अब फंक्शनल कितना है 1 ही काम करता है, जो सबसे उसमें मजबूत होगा वो सबसे पावरफुल होगा, वो 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल, मतलब क्रियाशील होता है, जो काम करने वाला है वो सारे नहीं होता है, एक होता है 4 में से। एंड अदर 3 जो जितने हैं वो क्या होता है, डिजेनरेट हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है, समझो 4 में से 3 क्या हुआ, खत्म हो गया, बचा कितना 1, 1 मेगा स्पोर बचा। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर जो बचा है, फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप करता है, फिर जब अकेला बचा तो वही डेवलप करेगा, वो डेवलप करके इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, तो फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता है, इसको एम्ब्रियोसैक बोलते हैं, भ्रूणकोष बोलते हैं। वो एक ये बना, पहले 4 को बना उस कोशिका ने, अब 4 में से 3 खत्म हो गया तो बचा कितना 1, एक ये फिर डेवलप करता है। तो ये जो बना था ये मियोसिस डिवीजन से बना था, अब मियोसिस नहीं होगा, आधा हो गया है, ठीक है, हैप्लॉइड सेल में बनता है, हैप्लॉइड सेल में इसमें एन है, पहले कितना था रहता है प्लांट्स में 2n रहता है ना हर सेल में, और वो आधा हो करके एन बचता है, एन हुआ फीमेल का और एन होगा मेल का, दोनों मिलकर 2n हो जाएगा ना, ये एन हुआ कैसे, अर्धसूत्री विभाजन से मियोसिस हुआ था। तो ये मियोटिक डिवीजन जो है, मियोसिस जो प्रक्रिया है उसके द्वारा 4 जो बना था वो आधा करके एन बना के हुआ था, इसमें से 3 खत्म हो गया, एक ना बचा, एक ये बचा एन वाला। अब ये जो है एक वाला फ्लावरिंग प्लांट में जो डेवलप करके रहा, ये
फीमेल गैमेटोफाइट में बन गया, अब यहाँ से फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। ये फिर अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है मोनोस्पोरिक, ये क्या है मोनोस्पोरिक, मोनो मतलब क्या है एक, यहाँ पर चार में से एक ही ना विकास किया, इसी कारण से इसको नाम दिया गया है मोनोस्पोरिक, एक स्पोर का एक बीजाणु विकास, इसी को बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये इसी के कारण नाम दिया गया है, ये एक क्रिया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या भाई, तो मोनो मतलब एक, स्पोर का डेवलपमेंट, ये वही है कि ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सेक बनने की क्रिया फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल एक मेगास्पोर से बनना, ये जो बनने की क्रिया है उसी को कहते हैं मोनोस्पोरिक। यहाँ तो वही चीज था, इसी को समराइज करके यहाँ पर दिया गया सारांश में, इस प्रक्रिया को कहते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट जो एक बना चार में से, उसी प्रोसेस को कहते हैं मोनोस्पोरिक प्रोसेस, हिंदी में एक बीजाणुज विकास। जब ये बन गया तो फंक्शनल मेगास्पोर जो था, जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होकर बना विद वन न्यूक्लियस, इसमें कितना न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस होगा ना, ये एक न्यूक्लियस है जो एन वाला है। अब ये क्या करेगा, ये माइटोसिस डिवीजन होगा, क्या होगा, माइटोसिस में होता है समसूत्री विभाजन बोलते हैं इसको हिंदी में, इसमें एन की संख्या क्रोमोजोम की संख्या घटती बढ़ती नहीं है, बराबर रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर माइटोसिस न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, विभाजन सेल का नहीं होता, यहाँ पे कैसा होता है सिर्फ न्यूक्लियस का होता है, भीतर भीतर बाहर से क्या रहता है, तो यही कह रहा है कि वन न्यूक्लियस का माइटोसिस क्रिया से टू न्यूक्लिएट होता है, टू न्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस बनता है, तो एक से कितना बन गया, तो दो न्यूक्लियस हो गया ना, इसीलिए इसको कहते हैं मेगा स्पोर डीआर, यहाँ पर एक न्यूक्लियस था, यहाँ दो न्यूक्लियस है, इसलिए डीआर बोलते हैं, ठीक है। इसमें फिर डिवीजन होगा, यहाँ पर टू न्यूक्लियेट से माइटोसिस फिर हुआ, तो दो दुना कितना हो जाएगा, तो फोर न्यूक्लियेट हो गया, ये पर इसमें फिर डिवीजन होगा तो कितना हो गया, एक दो तीन चार न्यूक्लियस बन गया, तो इस स्थिति को कहते हैं, इस स्टेज को मेगा स्पोर टेट्राड, यहाँ मेगा स्पोर डीआर था, ये मेगा स्पोर टेट्राड बन गया, टेट्रा मतलब क्या होता है चार, यहाँ पर कितना न्यूक्लियस हो गया चार, अब पूरा सेल देखो है, देखी को सेल, सेल में अंतर नहीं हुआ क्योंकि डिवीजन किसका हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस बना एक से दो, दो से चार, चार से फिर कितना होगा आठ नहीं होगा, फिर इसमें आधा आधा होगा, तो यही बोल रहा है कि फोर न्यूक्लियट से फिर माइटोसिस क्रिया होती है, तो बनता है एट न्यूक्लियट, ये किसका डिवीजन हो रहा है, और एम्ब्रायो सेल के न्यूक्लियस का ना, एम्ब्रायो सेल का आठ न्यूक्लियट वाला कंडीशन में ये बना, इसमें ये मुक्त केंद्रक विभाजन होता है, मतलब खाली केंद्रक का विभाजन होता है न्यूक्लियस का, पूरा सेल का विभाजन नहीं होता है, तो आठ गो सेल बनता है, आठ सेल बन जब बनता है तो कितना बार डिवीजन हुआ, एक दो तीन बार हुआ, तब आठ वो बना, आठ बनने के बाद अब उसमें सेल वॉल लेट डाउन, सेल वॉल बनता है, कोशिका वृद्धि बनता है, उसमें अलग अलग केंद्रक को ढकने के लिए फिर अलग अलग दीवार बनता है, ये जो सेल वॉल बनता है ये आठ न्यूक्लियस बनने के बाद तब सेल वॉल बनता है, तो सेल वॉल क्या सबको बना देता है, सबको घेर लेता है, तो नहीं, सभी न्यूक्लियस को नहीं घेरता है, कुछ कमी रह जाता है, वही समझना है कि सेल वॉल जब बाद में बनता है तो फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रायो सैक वो बन के कम्प्लीट बनता है, वो एम्ब्रायो सैक कम्प्लीट हुआ, ये इसमें डिजाइन होता है फिर कि न्यूक्लियस कहाँ कहाँ कौन सा एडजस्ट करेगा, सभी एक जगह बन गया लेकिन सभी न्यूक्लियस एक जगह नहीं रहेगा, उसमें भी फिर अलग अलग पोल पर चल जाता है, वो कहाँ कहाँ कौन कौन जाता है उसको हम लोग इस तरह से न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि आठ न्यूक्लियस हमारे पास है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रायो सैक में। अब वो आठ न्यूक्लियस में देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एक दो तीन एक कोना पे चल गया, एक पोल पर, एक दो तीन एक पोल पर चल गया ना,
और दो छो कितना बीस है बच गया, तो टोटल कितना हुआ, तीन तीन छः आठ दो आठ, आठ कोशिका हो गया ना, आठ न्यूक्लियस अलग अलग जगह है, इस सब का अलग अलग सेल वॉल बन गया, ये जो है ना इसका सेल वॉल है, ये इसका सेल वॉल एक अलग कोशिका है, ये भी एक कोशिका है, तीन कोशिका, यहाँ पर भी दो कोशिका, ये है कि तीन कोशिका बन गया, और ये दो जो न्यूक्लियस है इसको सेल वॉल नहीं मिला, तो ये सेल वॉल नहीं मिला तो क्या हो गया, ये खुला केंद्रक रह गया, तो ये पूरा का पूरा एक कोशिका है ना, एक कोशिका में एक केंद्रक रहता है न्यूक्लियस रहता है, लेकिन इसमें क्या गो है, दो गो केंद्रक रह गया, इसलिए टोटल जो है क्या गो कोशिका इसमें हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः एक सात, सात कोशिका हुआ, और केंद्रक क्या गो हुआ, आठ गो, इसीलिए इसको कहा गया है एट न्यूक्लिएट, मतलब आठ न्यूक्लियाई, आठ गो केंद्रक और सेवन सेल, सात कोशिका वाला, इसको पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ये सात कोशिका वाला है स्ट्रक्चर जो एम्ब्रायो सैक है, और लेकिन न्यूक्लियस कितना है आठ, ये सात और आठ का फर्क समझना है, तो सबका काम क्या किया, अलग अलग जगह जब पोजिशन पर जाता है उसका काम अलग अलग हो जाता है, क्या काम है तो देखते हैं इसमें, कि छः जो न्यूक्लियाई है आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स, इसमें से तीन ये छः जो है सब में सेल वॉल बन जाता है, सेल वॉल से वो सराउंडेड हो जाता है, घेरा जाता है, एंड ऑर्गेनाइज इन टू सेल, और सेल में वो ऑर्गेनाइज हो जाता है, विभाजित हो जाता है, और दो को जो बचा ये बीच में, टू न्यूक्लियाई आर पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बिना सेल वॉल का न्यूक्लियस बचा इसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय न्यूक्लियाई, सिचुएटेड बिलो द एग, ये जो एग है इसके नीचे सटा हुआ रहता है, ये उल्टा बना है फिगर ना, ये ऐसे रहता है तो इसके नीचे ये होगा कि नहीं होगा, तो ये जो पोलर न्यूक्लियाई है सिचुएटेड होता है, उपस्थित होता है बिलो द एग अपरेटस इन लार्ज सेंट्रल सेल, ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है इसमें ये जो एग अपरेट, इसको तीनों को मिला के एग अपरेटस होते हैं, ठीक है, इसके नीचे वो पोलर न्यूक्लियाई सेट रहता है। अब ये जो सिक्स न्यूक्लियाई है, ये छः, तीन यहाँ, इस सिक्स न्यूक्लियाई को दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, एक इस छोर वाले को, एक इस छोर वाले को, इधर वाले छोर को क्या कहते हैं, इधर वाले छोर को तीनों को मिला के क्या कहते हैं वो देखना है। तो एग अपरेटस बोलते हैं ये नीचे वाले, ऊपर वाला भाग जो हम लोग नीचे दिखा रहे हैं, ये है माइक्रोपोलर एग, इधर वो इंटोगमेंट ऐसे रहता है मुड़ा हुआ जिसमें खाली जगह रहता है, उस जगह को, उस छोर को क्या कहते हैं माइक्रोपोलर एग, उस तरफ जो कोशिका रहता है तीन लोग उसको कहते हैं एग अपरेटस, क्योंकि अंडा इधर ही रहेगा, इधर से ना घुसेगा पोलन ट्यूब, इसीलिए उसको एग अपरेटस बोलते हैं, और इसके उलटे में जो रहता है अपोजिट साइड में उसको बोलते हैं एंटीपोडर, ठीक है, एंटीपोडर्स मतलब प्रतिव्यासांत, अंडा के जो अपोजिट तरफ होता है ये फर्टिलाइजेशन उपयोग नहीं होता है। तो एग अपरेटस में क्या गो सेल हुआ, तीन गो ना सेल हुआ, तो ये क्या है इसको देखते हैं। एग अपरेटर सेल जो है जिसको अंड उपकरण कहते हैं, ये है ग्रुप ऑफ थ्री सेल्स, इसमें कितना सेल है, तीन सेल का ये समूह है, एट माइक्रोपाइलर इंड, ये माइक्रोपाइल की तरफ होता है, कंसिस्ट ऑफ टू सिनर्जिड्स, इसमें जो है दो को जो कोशिका होता है उसको कहते हैं सिनर्जिड्स, इसको सहायक कोशिका या सहायक कोशिका कहते हैं, एंड वन एग सेल एक अंड कोशिका होता है, इसमें एक अंड कोशिका होता है और दो गो सहायक कोशिका होता है, एक एग सेल और दो गो सिनर्जिड सेल, तो तीनों को मिला के बोलते हैं एग अपरेटस, ठीक है, उपकरण है, एक अंडे का एक उपकरण हुआ जिसमें तीन सेल का समूह होता है, एक होता है अंडे का, दो होता है सिनर्जिड का, ये तीनों रहता है। सिनर्जिड में क्या है, एक फिलिफॉर्म अपरेटस इसमें होता है, ये जो सिनर्जी है सिनर्जिड में कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे उंगली नुमा बना रहता है, उसको बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस, वो हिंदी में क्या कहते हैं उसको,
तंतु रूप समुच्चय, तंतु जैसा बना रहता है, उंगली जैसा। ये क्या करता है, इधर से जब पोलन ट्यूब जाएगा तो अंडे के पास जाने में ये हेल्प करता है, उसको रास्ता देता है। ठीक है, तो ये फिलिप हॉर्न अपरेटस जो है ये किसमें बना, सिनोजिट में बना, सहायक कोशिका में। ये द स्पेशल सेलुलर थिकनिंग, कोशिका का एक थिकनिंग किया हुआ, मोटा किया हुआ भाग है ऑफ सिनर्जिड, सिनर्जिड कोशिका का एट माइक्रोपाइलर टीप, माइक्रोपाइलर इंड की तरफ टीप पर ये रहता है, छोर पर, हिमो पर। और प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये क्या रोल इसका अदा करता है, इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि वो एक किधर है। जब पोलन ट्यूब अंदर आता है उसको रास्ता बताता है कि कैसे वहाँ तक पहुँचोगे, इनटू सिनर्जिड, सिनर्जिड से होते हुए अंडे तक कैसे पहुँचेगा, ये फिलिफॉर्म अपरेटस रास्ता बताता है। और ये तीन कोशिका हो गया, इसके अपोजिट में जो तीन कोशिका है उसको कहते हैं एंटीपोडल कोशिका, एंटीपोडल सेल्स। ये भी ग्रुप ऑफ थ्री सेल्स है एट द चैलेजल एंड, आधार की तरफ, चैलेजल जो इधर होता है उस एंड पर जो तीन कोशिका होता है उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये कोई काम यहाँ पर उसका नहीं है फर्टिलाइजेशन में। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रायो सैक, एक जो टिपिकल होता है प्रारूप की तरह एंजियोस्पर्म का एम्ब्रायो सैक एट मैच्योरिटी, परिपक्व होने पर, इज कैसा होता है, वो एट न्यूक्लिएट, एट न्यूक्लियस वाला होता है एंड सेवन सेल, सात कोशिका वाला होता है। यही उसका एक टिपिकल एम्ब्रायो सैक का फिगर है। क्या क्या है इसमें देखो, ये हो गया चैलेंजर एंड, हुआ ना। अब तीन ये कोशिका जो है ये हो गया एंटीपोडल सेल्स, ये जो बीच में जो दो कोशिका है ये पोलर न्यूक्लियाई, ये जो तीन कोशिका है ये हो गया एक अपरेटस, तीनों मिला के इसमें से एक जो ये ऊपर वाला है वो हो गया एग। ठीक है, और ये जो बीच में सेल है वो सेंट्रल सेल हो गया, और ये जो दोनों है ये दोनों हो गया सिनर्जिड्स, ये दोनों। ठीक है, और ये जो यहाँ स्ट्रक्चर बना है ये हो गया फिलिफॉर्म अपरेटस, और ये जो छोर है नीचे वाला जहाँ पर मुंह आता है घुसने के लिए वो हो गया माइक्रोपाइलर। तो एक हो गया माइक्रोपाइल एंड, एक हो गया चैलेंजर एंड, ये ही दो एंड है इसका, ये एम्ब्रायो सैक का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। ठीक है।